पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा था और सेम काफ़ी समानता है एल्कोहल और फिनोल में। तो यहाँ पर हम पहले फिनोल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में हम पहले फिनोल की डेफिनेशन देना चाहेंगे। तो ये है कि OH समूह सीधे बेंजीन वाले के कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक फिनोल कहलाते हैं। दूसरा, बेंजीन वाले के सभी कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है और OH समूह के ऑक्सीकरण परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होते हैं। थर्ड, फिनोल समतलीय अणु है, बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसमें COH बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। चौथा, फिनोल में बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं और OH समूह के ऑक्सीकरण परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयुग्मी हैं। अतः फिनोल में बेंजीन वाले पर ऑक्सीकरण परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायीकरण हो जाता है। इसे OH समूह का प्लस R प्रभाव या अनुनाद प्रभाव कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के द्वारा फिनोल के अनुनाद को दर्शाया गया है। सबसे पहले ये जो प्राथमिक फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें जो बेंजीन फिनोल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ये रिंग की तरफ आकर्षित होंगे तो OH और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस तरह से जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगा उसमें फोर्थ पोजीशन में नेगेटिव आयन आ जाएगा। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का आगे इनका बढ़ोतरी चलती रहेगी। थर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होगा जिसमें पैरा पोजीशन पर माइनस आवेश आ जाएगा। फिर इसके बाद में वापस पुनः फोर्थ पोजीशन पर माइनस आवेश आ जाएगा और अंत में फिनोल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपनी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं और अस्थानीकरण के द्वारा। चौथा है, इस प्रकार अनुनाद द्वारा फिनोल अणु स्थायी होता है। इसी रेजोनेंस के कारण फिनोल अणु बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। फिनोल में छठा, फिनोल में अनुनाद के कारण COH बंद में द्विबंध गुण आ जाता है। अर्थात फिनोल में जो COH बंद में डबल बॉन्ड का गुण उत्पन्न हो जाता है, अतः ये एकल COH बंद से छोटा होता है। अब पढ़ेंगे हम फिनोल के बनाने की विधियाँ, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और औद्योगिक सबसे नंबर वन विधि है औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड, जो कि कोल तार से हैं। और इस विधि का नाम है फ्रॉम कोल तार, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कोल तार का पहले 170 और 230 सेंटीग्रेड पर प्रवाजी आसवन करेंगे। प्रवाजी आसवन करेंगे तो मध्य तेल प्राप्त होगा। और इस मध्य तेल में क्या क्या होते हैं, एक तो फिनोल होता है, क्रिसोल होता है और नेप्थलीन होती है। फिर इस मध्य तेल को आगे फिर ठंडा करने पर, इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर दो पार्ट बन जाते हैं, एक तो शेष मध्य तेल और एक पार्ट में 43% नेप्थलीन, जो कि क्रिस्टलित होकर के इसको फिर अलग कर लेते हैं। अब जो शेष मध्य तेल को फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ इसको गर्म करते हैं तो फिनोल और क्रिसोल के सोडियम लवण बनकर एक अलग से लेयर बना लेते हैं। दोनों जो उसमें मध्य तेल में उपस्थित फिनोल और क्रिसोल है, वह सोडियम इनके साल्ट बना लेते हैं जिसमें वायु प्रवाहित करते हैं। वायु तो इसमें से शेष नेप्थलीन और पिरिडीन वाष्पित हो जाती है। फिर बचे हुए शेष द्रव को
जो बचा हुआ शेष द्रव है उसको पुनः अपन ठंडा करके CO2 की धारा प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की धारा प्रवाहित करते हैं। तो फिनोल के क्रिसोल के सोडियम लोन सोडियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें जल से धोने पर सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ निकल जाता है। और फिर आगे जो शेष बचा हुआ मिश्रण होता है उसका पुनः प्रभाजी आसवन करते हैं, और प्रभाजी आसवन करने पर 182 सेंटीग्रेड पर फिनोल प्राप्त होता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसे बनाना चाह रहे हैं। 190 सेंटीग्रेड 200 में क्रिसोल आ जाता है, और 211 से 215 के बीच में जाइलेनॉल आयल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी इंडस्ट्रियल विधि थी, इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से है। ARO और NOH की रिएक्शन होगी, ARONA+ फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर AR की वैल्यू C6H5 है, AR की वैल्यू। तो फिर इस फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प छोड़ते हैं, तो फिर हमें AROH फिनोल और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल मेथड की समीकरण है। अब दूसरी विधि, ये पहले नंबर की थी, दूसरी डायजोनियम लवणों के जल अपघटन से, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट जैसे एनिलीन हम लेते हैं, एनिलीन की NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन करवाते हैं, तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट क्लोराइड बनता है, बेंजीनियम डायजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक, माइनस नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोलिसिस करने पर फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो ये मेथड थी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट। थर्ड मेथड, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से, फ्रॉम द सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जो होता है, अगर उनकी रिएक्शन किसी भी सोडियम या कंपाउंड्स की जाती है तो सोडियम बेंजीन सल्फोनिक नामक साल्ट बन जाते हैं। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज्ड करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, C6H5ONA। फिर सोडियम फिनॉक्साइड में फिर HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है, C6H5OH। ये तीसरी विधि थी। अब चौथी विधि, फिनोल अम्लों के वी कार्बोक्सिलेशन द्वारा, बाय द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना। यदि हम किसी भी फिनोलों के अम्ल लेते हैं, जैसे सैलिसिलिक अम्ल, इसमें दो एक OH और सीट वाला समूह है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और ये अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति होगी। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH और CaO का मिश्रण होता है, तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिर इसका प्रोटोनीकरण करेंगे, प्रोटोनीकरण करने के बाद में हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो ये है वी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। पाँचवें नंबर की जो विधि है वह एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मकों से, जैसे RMGX होते हैं वैसे इसमें ARMGX को एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। AR की जगह C6H5 लेंगे तो ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MGBR, इसकी CO2 से रिएक्शन करवाई प्रकाश, और तो इसका ऑक्सीकरण होता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा। इस मध्यवर्ती कंपाउंड का फिर जल अपघटन करने पर HOH करने पर MgBrOH बाहर निकल जाएगा और हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एरोमेटिक गिरनार अभिकर्म से किसी भी फिनोल को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वह है क्लोरोबेंजीन से, ये मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस है, पहले प्रोसेस को कहते हैं रासिंग प्रक्रम, रासिंग प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर वन बेंजीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं अल्पवायु की उपस्थिति में, और CuFe उत्प्रेरक
डालते हैं, साथ में उसको गर्म करते हैं और 300 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फिर अतितृप्त बाप इस क्लोरोबेंजीन प्रोवाइड की जाती है, H2O की एक बाप है, और उत्प्रेरक सिलिका लेंगे और इसका जल अपघटन 425 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करेंगे तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये था रासिंग प्रक्रम क्लोरोबेंजीन से। दूसरा प्रोसेस है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रोसेस में भी हमें क्लोरोबेंजीन जो लेना है और वह रासिंग प्रक्रम के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, यानी कि जो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे वह पहले रासिंग प्रक्रम द्वारा बना लेंगे, उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये क्लोरोबेंजीन लिया, रिएक्शन में देखना है इसकी जगह पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या दूसरी सेकंड रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दोनों हैं, किसी से भी रिएक्शन करवा दो एक ही बात है, और COCl2 की उपस्थिति, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब रखेंगे तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये है डाउ प्रक्रम। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सातवें नंबर की विधि है आधुनिक विधि, या इसको कहेंगे बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो यदि बेंजीन तथा वायु के मिश्रण को 310 सेंटीग्रेड पर गर्म वेनेडियम पेंटाक्साइड V2O5 उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया जाए तो बेंजीन का सीधा ऑक्सीकरण फिनोल में हो जाता है। जैसे ये बेंजीन ली रिएक्शन में, अभिक्रिया में अल्प वायु होगी V2O5 310 सेंटीग्रेड, तो ये इसका ऑक्सीकरण होने पर फिनोल बन जाएगा, डायरेक्ट फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेंजीन का। और इम्पोर्टेंट मेथड है एक और आठवें नंबर की क्यूमीन से। ये आधुनिक औद्योगिक विधि है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड है, या इसको क्यूमीन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेंजीन लेंगे, पहली रिएक्शन में बेंजीन की प्रोपेन से रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें क्यूमीन प्राप्त होगी, पहली रिएक्शन में हमें क्यूमीन प्राप्त होगी। अब इस क्यूमीन की सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे HBr उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 सेंटीग्रेड ताप पर, तो हमें एक मध्यवर्ती क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड प्राप्त होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड जिसका डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रेसिस करने पर ये हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा और एसीटोन बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये हमारी आठवीं नंबर की मेथड थी। अब ये मुख्य विधियाँ जो हमने पढ़ी फिनोल की बनाने की, ये विधियाँ थी, और अब पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोलों के भौतिक गुण। सबसे पहले स्टडी करेंगे अवस्था। शुद्ध फिनोल रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होता है, बिल्कुल प्योर अगर है फिनोल तो बिल्कुल कलरलेस और क्रिस्टलीय सॉलिड अवस्था में होता है। यदि फिनोल को वायु और प्रकाश के संपर्क में लाया जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसका गुलाबी रंग बन जाता है, ये इसकी अवस्था थी। दूसरा था गंध। सभी जो फिनोलों में फिनोलिक या कार्बोलिक लाक्षणिक गंध होती है, करेक्टरिस्टिक ऑडियोर ऑफ द फिनोल इज कार्बोलिक और है फिनोलिक। कौथनाक, थर्ड पॉइंट है कौथनाक, कौथनाक और गलनाक, BP और MP। तो फिनोल का कौथनाक 182 सेंटीग्रेड है तथा MP एन की गलनाक 43 सेंटीग्रेड है। इसमें एक चीज़ ध्यान काबिल है, ध्यान देने योग्य कि फिनोल के कौथनांक संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं हेलोएरिन की अपेक्षा काफ़ी उच्च होते हैं। यहाँ पर संगत वर्ड का मतलब जो समान अनुभार वाले फिनोल है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या हेलोएरिन है, तो उनकी अपेक्षा फिनोल का कौथनांक काफ़ी उच्च होता है,
क्योंकि इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, इस कारण से इसका क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा, फिनोलिक ओएच समूह के ओरता स्थिति पर, अगर फिनोल के ओएच समूह की ओरता स्थिति पर NO2 या सी डबल ओएच समूह उपस्थित है, NO2 या सी डबल ओएच समूह उपस्थित होने पर इनका बीपी अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इनका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि ये समूह ओएच समूह के साथ अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये इस तरह से क्वथनांक के बारे में था। अब चौथा है विलेयता। मोस्टली फिनोल जो होते हैं या तो अल्प विलेय होते हैं या फिर अविलेय होते हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ये देखेंगे हम। लेकिन ये एल्कोहल ईथर में शीघ्रता से घुल जाते हैं, जल में तो ये क्या है कि अल्प विलेय या अविलेय होते हैं, किंतु एल्कोहल और ईथर में शीघ्रता से घुल जाते हैं। इसके कारण बता रहा हूँ। नंबर वन, फिनोल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेय होना चाहिए, क्योंकि जो यौगिक अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है अतः वह विलेय होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है, बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन के कारण इनकी विलेयता बहुत कम होती है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग जल प्रतिकृषी होते हैं। ठीक इसी तरह से जब बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन भाग के कारण ये कार्बनिक विलायकों में शीघ्रता से घुल जाते हैं, और ठीक इसके विपरीत यही है कि जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन बड़ा होता है उसी वजह से वे कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। पाँचवें नंबर है अम्लीय प्रकृति। ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनके जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये पहचान भी है, कोई भी एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, किंतु ये एसिड की भांति सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को विघटित नहीं कर पाते हैं, जैसे एसिड करता है वैसा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, ये विषैले होते हैं, इनकी ये टॉक्सिक होते हैं, विषैले टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट, ये कीटनाशी या प्रतिरोधी होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, इनकी ये एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रतिरोधी। हाँ, इसी तरह से ये जो बेंजीन के समान फिनोल की यूवी क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण जो क्षेत्र है इनका यूवी क्षेत्र में होता है, किंतु अवशोषक बैंड के मान बेंजीन की अपेक्षा उच्च होते हैं। इस तरह से ये टोटल फिनोलों के भौतिक गुण यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।